तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उनका परिभाषा क्या है, उनका एग्जाम्पल क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बहुत प्रकार हैं। इसमें से 8 मुख्य प्रकार को हमने इसमें लिया है। मैंने पिछले वीडियो में पहला जो 4 प्रकार है, 1, 2, 3, 4, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज की वीडियो में हम लोग जो अंतिम 4 है उस पर चर्चा करेंगे, 5, 6, 7 और 8। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 5 नंबर से, जिसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यह क्या होता है, देखिए आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 मुख्य चीज़ है, या तो ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाना चाहिए या फिर हाइड्रोजन का कमी हो जाना चाहिए। तो इस तरह का जितना भी रिएक्शन है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, या इसे हम लोग कहते हैं उपचयन। 2 नाम है इसमें, जिस नाम से आप पुकारें। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। देखिए आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं C+O2CO2, यानी कार्बन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CO2 का निर्माण किया, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि इस कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी आप देखिए हमारे इस नीचे वाले एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड मैंगनीज डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन किया तो मैंगनीज क्लोराइड जल और क्लोरीन का निर्माण हुआ। यहाँ पर आप देखिए इस रिएक्शन को आप ध्यान से अगर आप देखें तो इस HCl में हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये HCl Cl में बदलता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, मतलब HCl से हाइड्रोजन का कमी हो गया। तो अगर HCl से अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन का कमी हो गया तो HCl का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण। हैंडराइटिंग पर बिल्कुल ना जाएं, बात को समझे, यहाँ मैंने ऑक्सीकरण लिखा है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, वैसा अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, उसे हम लोग कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, अब 6 नंबर, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। यह जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा है, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी हो, उसे हम लोग कहते हैं अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, और अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसमें भी देखिए 2 चीज है, हाइड्रोजन की वृद्धि होना चाहिए या फिर ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, आप हमारे स्क्रीन पर देखिए H2+Cl2 2HCl, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए इस क्लोरीन की यदि हम बात करते हैं तो अभिक्रिया से पहले क्लोरीन अकेले था, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का वृद्धि हो गया, तो यहाँ क्लोरीन का क्या हुआ, अवकरण हुआ, क्लोरीन का क्या हुआ, अवकरण हुआ। हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं CuO+H2 CuO+H2O, इसका है मतलब कि जब हम लोग बहुत तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तब कॉपर धातु मुक्त होता है, मतलब कॉपर उससे अलग हो जाता है, किससे, क्यूप्रिक ऑक्साइड से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन जब हम इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो उससे ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन का कमी हो गया और सिर्फ हमें क्या मिला, कॉपर तत्व मिला, कॉपर धातु मिला। तो CuO का क्या हुआ, अवकरण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कमी हो गया। तो ऑक्सीजन का कमी होना या हाइड्रोजन का वृद्धि होना,
दोनों का मतलब होता है अपचयन, जिसे हम लोग अपचयन कहें या हम अवकरण कहें या हम उसे रिडक्शन कहें। अब देखिए हम लोग एक विशेष अभिक्रिया की तरफ बात करेंगे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि रेड तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर, यानी कि बहुत लाल तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर मुक्त होता है और जल पास बनता है या जल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का कमी हो गया। तो साइड में हम इसको लिखते हैं जरा सा, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन का कमी हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन का कमी हुआ तो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अवकरण हुआ, अवकरण हुआ। लेकिन यदि हम इस हाइड्रोजन को देखते हैं तो इस हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, और अगर ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ तो इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण हुआ और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यूप्रिक ऑक्साइड का यहां पर क्या हुआ और हाइड्रोजन का यहां पर क्या हुआ, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ, अवकरण हुआ, और हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ हुआ, एक ही अभिक्रिया में हुआ। तो इस तरह का जो अभिक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है, इन्हें हम संयुक्त रूप से कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब भी ये होगा दोनों साथ साथ ही होगा, ऑक्सीकरण और अवकरण। हमारे पास नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह क्या होता है, देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। ये जो HCl है आप सभी जानते हैं यह क्या है, अम्ल है, और NaOH यह क्या है, क्षारक है, और यह NaCl लवण है, और H2O क्या है, जल है। तो जब अम्ल और क्षारक मिल करके अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया के बाद ना अम्ल का गुण होता है ना क्षार का, इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। डिफाइन कैसे करेंगे, बोल सकते हैं जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने चार अभिक्रिया को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।